मैं आज खाली बैठा हूँ, मेरे पे कोई काम नहीं है, सोचा खाली बैठा हूँ तो आपको ही बता दूँ। एक युवक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर सरकार की छवि खराब करने की पोस्ट डाल दी। शिकायत मिलने पर मंगलवार सुबह पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोतवाली लाकर चेतावनी देते हुए धारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि एक निजी अस्पताल संचालक और भाजपा नेता गौतम नगर रॉयल एनक्लेव निवासी मुकेश चावला ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी। उन्होंने बताया कि आयुष रावत नाम के एक युवक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई है। उसने मुख्यमंत्री और सरकार की छवि खराब करने से संबंधित पोस्ट की है, जिससे कि आम जनता में अपमान की भावना उत्पन्न हो गई। प्रदेश सरकार की छवि और कार्यप्रणाली पर भी सवाल निशान लगाया गया। सरकार के प्रति विद्रोह और अपमान का कृत्य किया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी आयुष रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं कोतवाल एके सिंह ने बताया कि आरोपी आयुष रावत को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसे कोतवाली लाकर हिदायत दी गई, जिसके बाद धारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया। वहीं आयुष रावत की मां ने पुलिस पर अपने बेटे के साथ मारपीट और अभद्र भाषा का उपयोग करने का भी आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हमारी चौकी से पूरी टीम पहुंच गई, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कोई बात की या कोई कुछ किया मेरे बच्चे ने, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो सर्वे पे आए हैं और आपका बच्चा कहाँ है, तो मैंने कहा कर देते आकर घर के मतलब घर पे तो उसे बाहर बुलाई, मैं बाहर लेके गई, उन्होंने पानी वानी मंगाया, पानी वानी किया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। फिर कल मुझे चौक में बोला गया कि आपके घर हम दो बार आ चुके हैं, तो मुझे पहले उसमें ये नहीं बताया गया मैम कि मतलब किस कारण से आ रहे हैं, मुझे तो ये कहा कि सर्वे पे आ रहे हैं, सर्वे हो रहा है, कॉलोनी का कोई दादा आ रहा है, मतलब चोरी चारी हो रही है उसमें आ रहे हैं। वहाँ जाके बार बार ये बात बोल रहे कि हमने इन्हें पहले जिसे पहले भी वॉर्न कर चुके हैं, ऐसी हरकतें मत करते, ये प्रवेश कर रखी आपने, ये करता वो करता, आप सीधे चौकी पहुंचा, इतने अंधेरे में वहाँ चौकी पहुंची, वहाँ से मुझे बोला गया कि गाड़ी में बैठते हैं, तो आपको कोई कल रात कोई ना फोन आया पहले और ना ही वारंट पुलिस वालों से कोई फोन नहीं आया, मेरे को इंडायरेक्टली कॉल आया किसी थर्ड बंदे से मेरे दोस्त से, कोई वारंट वारंट नहीं दिखाया, और ये 6 बजे की बात की बात है, जबकि ऐसा आप पुलिस वाले अरेस्ट कर नहीं सकते 6 बजे के बाद, और 6 बजे के बाद उसको लेके गए हैं वो भी मुजरिम, मैं 9:30 बजे के बाद इन लोगों को मतलब ही नहीं है, इनको भी चौकी बुलाया गया है रात को 8-9 बजे की, आप वहाँ चौकी आओ, मैं अपने बच्चों को मिलने में बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाओ ऐसे, मैं बाहर खड़े रहे रोड पे, उसको मतलब मिलने नहीं दिया, उसको मिलने नहीं दिया, मतलब मेरा ऐसा था मेरे को उन्होंने किसी बात भी नहीं करनी ना, मेरा फोन थी कि मैं किसी को कॉल भी ना करता हूँ, मैं और ना अपनी मम्मी से मिलने मैं इधर थी, किसी बहन का फोन आ रहा था कि तू मतलब क्या कर रही है, कहाँ भटक रही है, लड़की का फोन था क्योंकि चौथी कहना चल रही रोड पे, तो एकदम कार से थी वहाँ से खींचा इससे कार में, तो मैं आगे गई, मैं कहा मैम कहाँ लेके जा रहे बच्चों, अरे कुंडेश्वरी पहुंचे सीधा, तो मैं कहा मैम मैं आगे कैसे आऊँ क्या हूँ, उन्होंने कोई नहीं सुना, गाड़ी में रखा सीधा निकले, मजे की बात यह है वहाँ पे खड़ा एक लड़का मम्मी को कहता है कि 1000 रुपए दो हम अपना लड़का छोड़ देंगे, वो भी तो पुलिस के सामने है, पुलिस के सामने खड़े होकर कह रहा है आप 1000 रुपए दो मैं आपका लड़का छुड़वा दूंगा। फिर आप सुबह गए, आपको सुबह फोन आया, मुझे सुबह 8 बजे फोन आ गया कि आप चौकी पहुंचो, तो मैंने कहा ठीक है सर मैं भी आती हूँ, फिर थोड़ी लेट हो गई, मैं मुझे ना सुविधा थी यहाँ से जाने की, ना कोई गाड़ी खड़ी थी, क्या पहले जब चलानी नहीं आती, तो फिर 3 बार कॉल आ चुका था मुझे सुबह से अपने यहाँ चौकी पहुंचा, वो कुंडेश्वरी, मैंने कहा सर भोपाल सर मोड़ पे तो मैं आ सकती हूँ, फिर नहीं कुंडेश्वरी देख रखा आपने, तो मैंने कहा सर आपने कल रात मुझे वहीं घुमाया था चौकी में, फिर आप इसे छुड़ाती है, तो आप हाँ मैं सुबह 10:30-9 बजे वहाँ पहुंच गई है, 9 बजे से 12-1 बजे हम घर पहुंचे, पता नहीं कितने डॉक्यूमेंट साइन करा है, पता नहीं क्या क्या रिक्वायर, मैं कह रहा था मुझे पढ़ने दो, जो 3-4 पेज दे देते हैं, जैसे बड़े बड़े पेज थे ना पहले ड्राफ्ट लिए होते हैं, वैसे इसमें क्या लिखा तब तो साइन करूंगा मैं, पहले कर दी है मैम जब से घर आ रहे हैं, पहले तुम्हें बताया जाएगा हमारे बच्चे ने क्या किया, तब उसे पकड़ो, तब मतलब तुम सीधे पकड़ के बच्चों को ले जा रहे माँ बाप पे क्या पड़ेगी, पूरा बहुत समझाओ हमें, मतलब ये दिक्कत है आप चौकी पहुंचो सीधा, उसके बाद उसे गाड़ी में मारा जा रहा है, क्या हम पे वो नहीं पड़ेगा कोई गलती से तुम लात मार रहे हो, उसे मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो भी तो जवान बच्चा है ना, मैं आयुष रावत 19 साल के हैं अभी, और कॉलेज के साथ साथ जॉब भी करते हैं और सोशली भी बहुत एक्टिव है, जितने भी उत्तराखंड में आपराधिक मामले होते हैं, जितने भी उत्तराखंड में कोई आए दिन गलत चीज होती है, जैसे अंकिता भंडारी के लिए न्याय भूगा उनकी माँ, उस सब में एक्टिव है और हमेशा अच्छा कार्य किया है, मैं पर्सनली भी इनको जानती हूँ,
और मैं थ्रू पेज के भी इनको जानती हूँ और हम सब इनको फॉलो करते हैं, उस पेज में इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो हम सबको पता है कि आयुष रावत ने कुछ गलत नहीं किया, और आयुष रावत ने जो मीम बनाया है उस मीम को भी मैं यहाँ डाल दूंगी कि आप सब भी देख सकते हैं कि आयुष रावत ने कोई गलत मीम नहीं डाला। और बाय चांस अगर पुलिस को लगता है कि आयुष रावत ने ये मीम गलत डाला है तो उसके उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसके लिए प्रावधान होता है कि आप उसे बुलाएं तो कैसे बुलाएं, और रात के टाइम ना बुलाएं, ऐसे मुजरिमों की तरह पकड़ के पीट के पूरी रात उसको थाने में रख के और फिर अगले दिन उसको उसके उसके ऊपर 5-10 धाराएं लगा के उसको ऐसी वो करके, ऐसा ये कोई तरीका नहीं होता है। ये पुलिस के द्वारा आतंकवाद वो फैलाई जा रही है, तो क्या बोलते हैं ये पुलिस की गुंडागर्दी है जो पुलिस उत्तराखंड में हमारे साथ कर रही है। और हमें अभी पता चला है कि मुकेश चावला नाम है, मुकेश चावला नाम की किसी आदमी ने आयुष रावत पे FIR कर लिया है कि हमारे मुख्यमंत्री को ऐसा ऐसा बोला उन्होंने, और इसीलिए मतलब उनको वो पुलिस ऐसे पकड़ के ले गई। जबकि मुकेश चावला का तो पहले इस मामले में कोई मतलब ही नहीं कि वो इस उसमें घुसे, और उसके बाद उन्होंने कुछ किया भी है तो आयुष रावत पे जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसके साथ कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जा सकता है। मैं सारे उत्तराखंडी पहाड़ी भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि आयुष रावत भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली का एक 18-19 साल का बच्चा है, हमारा भविष्य है उत्तराखंड का, हमारा युवा है। और अगर आप आयुष रावत के आसपास का जहाँ ये रहता है, यहाँ से इतनी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है कि कोई भी एकदम से जाके कहीं चला जाए कहीं पहुंच जाए, ऐसे में आयुष रावत को प्रताड़ित करना, आयुष रावत की मम्मी को प्रताड़ित करना, उसके परिवार को प्रताड़ित करना बहुत गलत है। और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम पूरा आयुष और उसकी मम्मी के साथ है और हम इसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे। धन्यवाद।